कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पाल धारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पाल धारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा, हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया, कि हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करें उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है, हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है, हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
हे निर्दोष मिलने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मिलने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मिलने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मिलने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। यह हम प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पालकारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पालकारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने मन और हृदय को शांत कीजिए। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए। आंखें बंद कीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे मन को आलोकित कीजिए, मुझे तेरे पवित्र वचनों को सुनने और समझने के लिए कृपा दीजिए। आइए पवित्र आत्मा, मेरे हृदय को शांत कीजिए, मुझे तेरे सानिध्य के योग्य बनाइए, मुझे मौन कीजिए, मुझे ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए सामर्थ्य दीजिए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा।
आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। ये प्रार्थना हमारे लिए अनुग्रह का एक विशेष माध्यम है। मैं पहले कभी सोचता नहीं था कि इस तरह के आध्यात्मिक कार्यक्रमों के द्वारा प्रभु की कृपाएं इतनी शक्तिशाली ढंग से हमारी ओर बह सकती है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में ताजगी का एहसास होता है, प्रभु के दिव्य रक्त के द्वारा उनके जीवन में शुद्धता का एहसास होता है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु हम सबको आशीष दें। प्रभु हम सब प्रभु से जुड़े रहने के लिए कृपा दें। आइए हम प्रभु का वचन सुनेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते हम सभी का एक विशेष अनुभव है, पाप। इस संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जिसने पाप का एहसास ना किया हो। रोमियो के पत्र की अध्याय 3 उसके वाक्य 23 में संत पौलुस कहते हैं कि सबने पाप किया है। एवरीबडी, सबने पाप किया है। स्तोत्रकार कहते हैं स्तोत्र 51 उसके वाक्य 7 में, मैं अपनी माता के गर्भ से ही पापी। तो मनुष्य का यह अनुभव है पाप। हर मनुष्य किसी न किसी तरह के पाप और अपराध का शिकार जरूर हुआ है। दूसरी तरफ हम इस तरह के कार्यक्रमों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि आप इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, इन वचनों को सुन रहे हैं ताकि आपको प्रभु की कृपा मिले, आपको प्रभु से चंगाई मिले, जीवन में तरक्की मिले, अलग अलग प्रकार की कृपाएं प्राप्त हों। एक तरफ हम पाप का अनुभव करते हैं और दूसरी तरफ हम कृपा भी महसूस करना चाहते हैं। हमें क्या करना चाहिए ऐसी अवस्था में? हमें क्या करना चाहिए? इसयास नबी अध्याय 30 उसके वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, जवाब के रूप में प्रभु देते हैं। प्रभु कहते हैं, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। प्रभु कहते हैं पश्चाताप और स्वीकृति के द्वारा तुम्हारे लिए कल्याण का द्वार खुल जाएगा। पश्चाताप और स्वीकृति में, सबसे पहले स्वीकृति। स्वीकृति का मतलब क्या है? स्वीकार करना। क्या स्वीकार करना? कि मैं कमजोर हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं पापी हूं, मेरे जीवन की बहुत सारी व्यथाओं का मुख्य कारण मैं हूं, मैंने अपराध किया है, मैंने अपने आप को तोड़ दिया है। ये स्वीकार करना कि मैं पापी हूं, मैं दुर्बल हूं। आप पढ़ेंगे इसयास नबी के ग्रंथ की अध्याय 66 उसके वाक्य 2 में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। यानी प्रभु कहते हैं कि मैं पश्चातापियों पर अपनी दया दृष्टि दिखाता हूं, अपनी कृपा दृष्टि दिखाता हूं। जो अपने पाप को स्वीकार करता है, मेरी दृष्टि उस पर बनी हुई है, मेरी कृपा दृष्टि उस पर बनी हुई है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 51 उसके वाक्य 19 में, हे प्रभु, तू एक पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। तू एक पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा, मैं विश्वास करता हूं। एक पश्चातापी का जो अपने पाप को स्वीकार करता है, तू उसका तिरस्कार कर ही नहीं सकता है। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे लोग अपने पापों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सबसे पहले एक वर्ग है जो पाप को ही नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि पाप अपराध नाम की चीज नहीं होती है, कानून होता है, कानून के विरुद्ध जो पाप है अपराध है, वरना कोई पाप या अपराध धर्म अधर्म होता नहीं है। उन्होंने धर्म अधर्म का विभेद खो दिया है, पाप पुण्य का विभेद खो दिया है, उन्होंने पाप बोध खो दिया है। आधुनिक इंसान की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, उसने पाप बोध खो दिया है।
वो कुछ भी कर सकता है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो किसी को मार भी डाल सकता है, किसी के साथ अन्याय भी कर सकता है, किसी के साथ व्यभिचार भी कर सकता है। अगर कानून ना पकड़े तब तक वो सही है। उनका हृदय कठोर है, उनका अंतकरण मर चुका है, उनके अंदर पाप बोध नहीं है। दूसरे वर्ग के लोग हैं जो मानते हैं पाप या धर्म है, लेकिन वे ये भी मानते हैं पाप करेगा तो दंड मिलेगा, अधर्म करेगा तो उसका कर्म भोगना ही पड़ेगा। वे किसी ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं जो इन पापों के दंड को ले सकता है, उससे किसी को छुटकारा दे सकता है। उनका मानना है अपराधी किया, पाप किया तो उसका दंड मिलना अनिवार्य है, उसका कर्म भोगना अनिवार्य है। वे ईश्वर पर विश्वास नहीं करते जो इसको क्षमा कर सकता है। तीसरे वर्ग के लोग हैं जो विश्वास करते हैं कि ईश्वर दयालु है, करुणामय है, हमारे पापों को क्षमा करता है, लेकिन ईश्वर की करुणा पर उनका भरोसा कम है। वे इस बात को विश्वास नहीं कर पाते हैं कि ईश्वर ने हमें क्षमा किया है या ईश्वर हमें क्षमा कर सकता है, उनका भरोसा कम है। इसीलिए वे पाप बोध में, अपराध बोध में, दोष भावना में जीवन जीते हैं। अपने को कोसते हैं, दूसरों को कोसते हैं, ईश्वर को कोसते हैं, अपराध बोध में, दोष भावना में जीवन जीते हैं। यूदा इस्करियोती का उदाहरण लीजिए, यूदा इस्करियोती का उदाहरण लीजिए। यूदा को इस बात का एहसास हुआ कि मैंने एक धर्मात्मा के साथ अपराध किया है, मैंने यीशु को पकड़वा कर बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन वो ईश्वर की करुणा पर विश्वास नहीं करता था, भरोसा नहीं था, इसीलिए उसने जाकर आत्महत्या की। तो इस संसार में बहुत सारे लोग अपने पापों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। एक चौथा वर्ग है, वे ये जानते हैं कि पाप है, वे ये भी जानते हैं कि ईश्वर दयालु है, लेकिन उनका अहंकार उनको पाप स्वीकार करने के लिए प्रेरणा नहीं देता है। अहंकार के कारण पाप स्वीकार नहीं करते हैं। प्रभु का वचन कहता है पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। जब हम पाप स्वीकार करते हैं हमारे लिए अनुग्रह का द्वार खुल जाता है। एक सच्चाई है मेरे भाई और बहनों, पवित्र ग्रंथ बाइबल हमें सिखाती है। जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं हमारे लिए अनुग्रह का भंडार खुल जाता है। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 7 में एक नारी के बारे में पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु सिमियोन नामक एक धनी इंसान के यहाँ पे भोजन पे बैठे थे और उस पापनी नारी को पता चला कि यीशु सिमियोन के घर पे भोजन पे बैठे हैं। बड़ी हिम्मत बांध कर वो नारी उस घर के अंदर प्रवेश करती है। हालांकि सभी लोग उसको जानते थे कि वो एक पापिनी नारी है, एक बुरी औरत है। वह बड़ी हिम्मत के साथ सिमियोन के घर पे आ जाती है और प्रभु जिस कक्ष में भोजन कर रहे थे वहां पर पहुंच जाती है, प्रभु के चरणों के करीब खड़ी हो जाती है और इस कदर आंसू बहाती है कि यीशु के चरण उसके आंसुओं से भीग जाते हैं। सिमियोन ने अपने दिल में सोचा कि ये इंसान नहीं जानता है कि ये किस तरह की नारी है और वह यीशु के चरणों को अपने केशों से पोंछ रही थी, क्या इनको नहीं मालूम कि ये किस तरह की नारी है कि इनके पैरों को छू रही है। वो नारी आंसुओं को बहा बहा कर अपने पापों को स्वीकार कर रही थी। कितनी सुंदर स्वीकृति की अभिव्यक्ति है, कितना सुंदर पाप स्वीकार है। एक वचन भी नहीं बोलती है, बस आंसू बहाती है। मालूम प्रभु यीशु ने उस नारी से क्या कहा? वचन 50 में आप पढ़ेंगे, यो लूकस अध्याय 7 वाक्य 50 में आप पढ़ेंगे, प्रभु ने कहा नारी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उस नारी ने विश्वास किया, यदि मैं यीशु नाजरी के पास जाऊंगी वह मेरे पापों और अपराधों के उस ढेर से, उस बोझ से मुझे छुटकारा देगा और मैं एक नई जिंदगी फिर शुरू कर पाऊंगी। उसने विश्वास किया कि यीशु मेरे पापों को क्षमा करेंगे, मेरे पाप के बोझ को मुझ पर से उतार देंगे
और प्रभु ने कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, तुम्हारे पाप के बंधन से तुम स्वतंत्र हो गई हो। पाप के बंधन से, पाप के बोझ से, पाप के कलंक से, दाग से तुम स्वतंत्र हो गई हो, तुम आजाद हो गई हो, मुक्ति प्राप्त कर चुकी हो। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 20 उसके वाक्य 4 में लिखा हुआ है, जो अपना अपराध स्वीकार करता है उसे कोई हानि नहीं होगी। कितनी सुंदर बात है, कितना सुंदर वचन है। लिखा हुआ है जो अपना अपराध स्वीकार करता है उसे कोई हानि नहीं होगी। आपने कितना ही बड़ा अपराध क्यों ना किया हो, कितने ही बड़े पाप क्यों ना किए हो, अगर आपने अपने अपराध को स्वीकार किया प्रभु के सामने, वचन कहता है आपको कोई हानि नहीं होगी। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 21 बहुत जबरदस्त वचन है। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 21 में प्रभु कहते हैं ईश्वर से मेल कर लो और तुम्हें फिर सुख शांति प्राप्त होगी। ईश्वर से मेल कर लो और तुम्हें फिर सुख शांति प्राप्त होगी। क्या तुमने अपने अपराध के द्वारा, पाप के द्वारा अपने सुख को गंवा दिया है, अपनी शांति को गंवा दिया है, अपने धन को गंवा दिया है, अपने नाम को गंवा दिया है, अपने स्वास्थ्य को गंवा दिया है, अपने परिवार को बर्बाद किया है? वचन कहता है प्रभु से, ईश्वर से मेल कर लो और तुम्हें फिर सुख शांति प्राप्त होगी। प्रभु यीशु ने हमारे सामने कितना सुंदर दृष्टांत रखा है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 15 उड़ाव पुत्र का दृष्टांत शायद मैं सोचता हूं सुसमाचार का सबसे मर्मस्पर्शी दृष्टांत है। उस दृष्टांत में हम पढ़ते हैं बेटा अपनी सारी संपत्ति उड़ा देता है, बाप से प्राप्त सारी संपत्ति को उड़ा देता है, बुराई में, वेश्याओं में, ऐश आराम में, मनोरंजन में, सारी संपत्ति उड़ाने के बाद, गंवाने के बाद परदेश में वो एक नौकर का काम करता है। इतने बड़े धनी इंसान का बेटा परदेश में नौकर का काम करता है, सुअर चराता है, अचानक वो होश में आ जाता है कि मैंने क्या कर दिया है, मेरी क्या दशा है। और उसने कहा कि मैं उठूंगा और अपने पिता के भवन जाऊंगा, पिताजी से कहूंगा कि मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध अपराध किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं, मुझे एक दास के रूप में अपने घर पर रख लीजिए। बेटा अपने पिता के भवन की ओर चल पड़ता है। वचन में लिखा हुआ है प्रभु यीशु कहते हैं पिता ने पुत्र को दूर से देखा, पिता ने पुत्र को दूर से देखा, पिता उसकी ओर दौड़ पड़ता है और उसको गले से लगाता है, पुत्र की एक भी बात नहीं सुनता है, उसको गले से लगाता है, उसके लिए चप्पल का प्रबंध करता है, अंगूठी का प्रबंध करता है, कपड़े का प्रबंध करता है, भोज का प्रबंध करता है। वचन कहता है ईश्वर से मेल कर लो तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। ईश्वर से मेल कर लो, अपने पाप को स्वीकार कर लो, तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। एक बहुत जबरदस्त वचन आप मिलता है सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 28 उसके वाक्य 13 में। सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 28 वाक्य 13 में प्रभु क्या कहते हैं, जो अपने पाप को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा। जो अपने पाप को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो उसको प्रकट करता है, उसको स्वीकार करता है और उसका परित्याग करता है, उस पर दया की जाएगी। प्रभु कहते हैं जो अपने पाप को छिपाता है वो कभी उन्नति नहीं करेगा। बहुत सारे लोग अपने पापों को छिपाते हैं, अपने पापों को छिपाने के लिए सबको शांत करते हैं, मौन करते हैं, कोई नहीं बोलना। अपने पाप को छिपाते हैं ये सोचकर किसी ने नहीं देखा, सिर्फ उसको मालूम है और मुझे मालूम है और किसी को नहीं मालूम है। सोचता है कि इसको छिपा लूंगा, और भी उपाय ढूंढते रहते हैं अपनी जिंदगी की परेशानियों के लिए। और मैं लोगों से कहता हूं कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है, पाप स्वीकार करना होगा। मैं लोगों से बोला करता हूं जब तक आपके अंदर पाप निवास करेगा आप बेचैन रहेंगे, परेशान रहेंगे।
जब तक पाप आपके अंदर निवास करेगा आप बेचैन रहेंगे, परेशान रहेंगे, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उसको निकालना होगा। वो कैंसर की तरह है, वो कैंसर की तरह है जो आपको बर्बाद करेगा, आपको मार डालेगा। इसीलिए उसको स्वीकार करना, उसका परित्याग करना जरूरी है। जब तक पाप आपके अंदर है आपकी उन्नति नहीं होगी, वचन कहता है, इसीलिए उसको स्वीकार करना होता है। मैं अक्सर लोगों से बोला करता हूं, आप पाप को पचा नहीं सकते, आप पाप को पचा नहीं सकते, पाप को स्वीकार करना होगा, प्रकट करना होगा। यही कारण है, हमने देखा है बहुत सारे विशेष करके कैथोलिक भाई बहन जो साधनाओं में जाते हैं और पवित्र वचन सुनने के बाद उनको पाप का बोध होता है। देखिए, पाप का बोध हमें तभी मिलता है जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा कार्य करने लगता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है यौहन के सुसमाचार के अध्याय 16 में कि पवित्र आत्मा ही हमें पाप बोध देता है। जब आप पवित्र वचनों को सुनने लगते हैं, आपके अंदर अचानक पवित्र आत्मा कार्य करने लगता है, तो आपको पाप बोध होता है, अपने पापों का एहसास होता है। कई जगहों पर मैंने देखा है जहां पर कन्वेंशन दिया जाता है, पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करने लगता है, उनको पाप बोध होता है, इस बात का एहसास होता है कि हमने पाप किया है। हमारे आश्रम में हजारों की संख्या में लोग आते हैं, जब सबसे पहले लोग आते हैं उनको इस बात का ख्याल नहीं होता है। धीरे धीरे पवित्र वचन सुनने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, उनको अपनी गंदगी और अपने अपराधों का एहसास होता है, वे रोने लगते हैं। एक जगह पर अभी मुझे याद है, राजस्थान में सभा चल रही थी, उस सभा के पीछे एक लड़का था, वो लड़का वचन सुनने के बाद दौड़ के आगे की ओर आया, ये कहकर कि मुझे पाप स्वीकार करना, मुझे पाप स्वीकार करना है। तो पवित्र आत्मा ही हमें पाप बोध दे सकता है। जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो हमारे लिए कृपाओं का भंडार खुल जाता है। यही कारण है कई कैथोलिक भाई बहन अच्छा पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करने के बाद उनके जीवन में जो बाधाएं थी, बाधाएं मिट जाती हैं, उनके लिए कृपा का द्वार खुल जाता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यौहन के पहले पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 9 में संत यौहन कहते हैं, यदि हम अपने पाप को स्वीकार करते हैं, यदि हम अपने पाप को स्वीकार करते हैं तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें अधर्म से छुड़ाएगा। जब हम अपने पाप को स्वीकार करते हैं क्या होता है, सबसे पहले प्रभु हमारे पापों को क्षमा करते हैं, दूसरा हमें अधर्म से छुड़ाते हैं। जिस बुराई में आप फंसे हुए थे, जिस बंधन में आप थे, हो सकता है कि आप नशे के बंधन में थे, आप कोई अवैध रिश्ते के बंधन में थे, गलत रिश्ते के बंधन में थे, गंदी आदत में थे, जब आप सच्चा पाप स्वीकार करते हैं, अपना दिल खोलकर प्रभु के सामने पापों के लिए माफी मांगते हैं, तो प्रभु ये दो कार्य आपके जीवन में करेंगे। सबसे पहले आपके किए हुए पापों को क्षमा करेंगे और दूसरा है प्रभु आपको उस अधर्म से छुड़ाएंगे, उस बुराई से बचा लेंगे, आपको स्वतंत्र करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। जोएल का ग्रंथ अध्याय 2 के वाक्य 12 और 13 में आपने सुना है, प्रभु कहते हैं अब तुम वापस आ जाओ, अब तुम वापस आ जाओ। अंग्रेजी में उसका अनुवाद है इवन नाउ रिटर्न टू मी, अब भी तुम वापस आ जाओ। तुमने सब कुछ बर्बाद किया, तुमने अपने सारे अवसरों को गंवा दिया, तुमने धन गंवा दिया, तुमने अपना नाम बर्बाद किया, तुमने अपने परिवार को बर्बाद किया, अपने ही अपराधों के द्वारा, कोई बात नहीं, प्रभु कहते हैं अब भी तुम वापस लौटाओ, अब भी तुम वापस लौटाओ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सच्चे पाप स्वीकार के जरिए हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए
अनुग्रह का द्वार खुल जाएगा। हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए अनुग्रह का द्वार खुल जाएगा। अवसर ढूंढिए पाप को स्वीकार करने के लिए। याकूब अपने पत्र के अध्याय 5 में कहते हैं, एक दूसरे से अपना पाप स्वीकार करें। आसान नहीं है, कठिन है। प्रभु को धन्यवाद कि कैथोलिक कलीसिया में पाप स्वीकार संस्कार की विधि है, जहां पर एक विश्वासी और एक पुरोहित जो भी हो, एक दूसरे पुरोहित के पास जाकर अपने पापों को बताता है और वो पुरोहित उन बातों को रहस्य में रखता है, प्रभु की ओर से सलाह देता है, प्रभु की ओर से पाप क्षमा देता है। हमें पाप के बंधन से आजाद किया जाता है। जो कैथोलिक भाई बहन हैं, इस संस्कार को समय समय पर स्वीकार करना। मैं लोगों से कहता हूं कि जब पानी उपलब्ध है तो नहाते क्यों नहीं हो। जितनी बार हो सके पाप स्वीकार करते हुए हम अपनी आत्मा को स्वच्छ रखें, हम अपने हृदय को स्वच्छ रखें, हम अपने अंतःकरण को स्वच्छ रखें, ताकि हर समय हम प्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। पाप स्वीकार के द्वारा हमारे लिए अनुग्रह और आशीष का भंडार खुल जाता है। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु कलवारी पहाड़ पर क्रूस पर टंगे थे। उनके दाएं बाएं दो डाकू टंगे थे। बाएं का डाकू लगातार यीशु को पहास करता जा रहा था, लेकिन दाएं के डाकू ने यीशु को पहचान लिया और उसको अपने पाप का बोध हुआ। उसने महसूस किया कि हम जो भोग रहे हैं हमारी करनी का फल है। उसने यीशु की ओर मुड़कर कहा कि यीशु, जब आप अपने राज्य में होंगे मुझे भी याद करना। प्रभु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आज ही तुम परलोक में मेरे साथ होगे। आज ही तुम परलोक में मेरे साथ होगे। अपने जीवन के अंतिम पल में उसने अपने पाप को स्वीकार किया और उसके लिए पश्चाताप किया। स्वर्ग का द्वार उसके लिए खुल गया और उसके द्वारा उसके परिवार के लिए आशीष का द्वार खुल गया। हर बार जब हम प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करते हैं, हमारे लिए अनुग्रह का द्वार खुल जाता है। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, वचन को गंभीरता से लें। प्रभु कहते हैं, जो अपने पाप को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो अपने पाप को स्वीकार करता है और उसका परित्याग करता है, उस पर दया की जाएगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, तेरी आशीष के लिए। अपने पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमें समझाया है, पश्चाताप और स्वीकृति में हमारा कल्याण है, पश्चाताप और स्वीकृति में हमारा कल्याण है। जब तक पाप हमारे अंदर बसेगा, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है, जब तक कि हम पश्चाताप करें और स्वीकार ना करें। प्रभु यीशु, पाप स्वीकार करने की कृपा दीजिए, हमें नम्र बनाइए, हमें सच्चाई को जानने की कृपा दीजिए कि हमारे जीवन की कई विपत्तियां परेशानियां हमारे ही पापों से आती हैं। अपने पापों के लिए क्षमा मांगने, माफी मांगने के लिए हमें कृपा देना, पश्चाताप करने, अपने पापों को स्वीकार करने की कृपा देना। यीशु, हमें कृपा देना, सच्चे पाप स्वीकार के लिए कृपा देना, ताकि हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए अनुग्रह का द्वार खुल जाए, आशीषों का द्वार खुल जाए। आमीन। अब्बा पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, 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 आराधना हे प्रभु। आराधना, आराधना।
आराधना 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 हे प्रभु प्रभु तेरी आराधना यीशु प्रभु तेरी आराधना आत्मा प्रभु तेरी आराधना आत्मा प्रभु तेरी आराधना 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 हे प्रभु प्रेमी प्रभु तेरी आराधना प्रेमी प्रभु तेरी आराधना क्रूसित प्रभु तेरी आराधना 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 हे प्रभु आराधना 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 हे प्रभु जीवित प्रभु तेरी आराधना बार बार गाते जाइए आराधना 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 हे प्रभु आराधना 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 हे प्रभु आराधना 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 हे प्रभु। पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु यीशु की हम आराधना करें अपनी सारी आत्मा से सारे मन से सारी बुद्धि से प्रभु की आराधना करें। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं अपने ईश्वर को सारे हृदय से सारी बुद्धि से सारी शक्ति और सारी आत्मा से प्यार करो। हम इस पवित्र क्षण में हैं प्रभु की उपस्थिति में हैं इस परम प्रसाद में विराजमान प्रभु यीशु इस समय हमारी और अपनी कृपा को बहा रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपको यह मौका दिया है प्रभु के सानिध्य में आने के लिए इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए। हमने पवित्र वचन को सुना है प्रभु की आराधना करें हम इस समय पूरे मन से हृदय से प्रभु के सामने अपने जीवन की एक एक बात को लेके आइए हृदय की हर व्यथा को प्रभु के सामने लेके आइए। वचन में हम पाते हैं कि मूसा ईश्वर के सामने एक मित्र की तरह बात करता था हम भी समय एक मित्र की तरह प्रभु के साथ जुड़ जाएं
प्रभु हम सबको प्यार करते हैं। प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, यौहन अध्याय 15:5। आपके मित्र, आपके मुक्तिदाता, आपके प्रभु आपके सामने हैं, आपके पास हैं। आप इस समय जहां कहीं भी बैठे वहां पर प्रभु की उपस्थिति अनुभव करना, अपने हृदय और मन से प्रभु के साथ जुड़ जाना, प्रभु की कृपा को आपकी ओर बहने देना, विश्वास को मजबूत कीजिए, विश्वास को मजबूत कीजिए, भरोसे को मजबूत कीजिए। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी प्रभु यीशु, स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आने वाले यीशु, हम पापी और दुखियों के लिए अपने आप को अर्पित करने वाले प्रभु यीशु, हमारे लिए मरने वाले प्रभु यीशु, हमारे लिए मृतकों में जी उठने वाले प्रभु यीशु की उपस्थिति समय महसूस करना। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए और अपनी आंखें बंद रखिए, अपने हृदय को प्रभु की कृपा के लिए समय खोलिए। ये विश्वास करना है कि इस प्रार्थना और आराधना के दौरान प्रभु यीशु आपके जीवन में कुछ करने जा रहे हैं, आपको पवित्र करने जा रहे हैं, आपको शुद्ध करने जा रहे हैं, आपके बंधनों को खोलने जा रहे हैं, आपको चंगा करने जा रहे हैं। एक ऐसा विश्वास इस समय अपने हृदय में जगाइए। ये सब तुझे धन्यवाद देते हैं समय के लिए, इस समय घोषित करते हैं कि तू हमारे मुक्तिदाता है, तू ही हमारा मुक्तिदाता है, तू हमारा सब कुछ है। किसने हमारे लिए इतना प्यार दिखाया है जितना तूने दिखाया है? प्रभु यीशु, तेरे बलिदान पर हम विश्वास करते हैं, तेरे पवित्र रक्त पर हम विश्वास करते हैं, तेरे पवित्र शरीर पर हम विश्वास करते हैं, तेरी उपस्थिति पर हम विश्वास करते हैं। हम जानते हैं कि तू हमारे लिए हमारी तरह बन के चला आया ताकि तू हमें बचा सके। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो। प्रभु की आराधना करते जाना मेरे भाई, मेरी बहन, हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना करते जाना। एक दो पल अपनी आंखें बंद करके इस समय मौन होकर आराधना करना। आज के प्रवचन में प्रभु ने हमें सिखाया है कि हम अपने पापों को स्वीकार करें। जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुलता है, अनुग्रह का द्वार खुलता है। लूकस के समाचार के अध्याय 18 में हम पढ़ते हैं, दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए, एक फरीसी और एक नाकीदार। फरीसी मंदिर में खड़ा होकर सीना तान कर उसके किए हुए अच्छे अच्छे कार्यों के बारे में वर्णन दे रहा था, प्रभु को ब्यौरा दे रहा था। लेकिन हम पढ़ते हैं उस दाकेदार के बारे में, अपना सिर झुकाकर अपनी छाती पीट पीट कर बोल रहा था, हे ईश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु ने कहा कि उसे पाप मुक्ति मिली, उसे पाप मुक्ति मिली, उसको पाप के बंधनों से आजादी मिली, पाप के कलंक से आजादी मिली, पाप के बोझ से आजादी मिली, वह स्वतंत्र होकर अपने घर चला गया। जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, हमें भी पाप मुक्ति मिलती है, पाप के बंधन से आजादी मिलती है, बोझ से आजादी मिलती है, कलंक से आजादी मिलती है, दाग से आजादी मिलती है। एक दो पल के लिए मौन होकर इस समय प्रभु के सामने ईमानदारी के साथ नम्र बनकर अपने आप को स्वीकार करेंगे, बोलें, प्रभु मैं पापी हूं, मैं स्वीकार करता हूं, आई हैव सिन लॉर्ड, मैंने पाप किया है प्रभु, पाप किया है, मैं अपराधी हूं, मैं अपने होठों से, अपने विचारों से, अपने कार्यों से कितनी बार पवित्रता के विरुद्ध, प्रेम के विरुद्ध, न्याय के विरुद्ध, शांति के विरुद्ध, तेरे विरुद्ध, विश्वास के विरुद्ध पाप किया है, मैं स्वीकार करता हूं प्रभु, स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं प्रभु, स्वीकार करता हूं। मैं जानता हूं कि मैं अपने पापों को छिपा नहीं सकता, क्योंकि तू सब कुछ देखता है, तेरे लिए अंधेरा भी अंधेरा नहीं है, वो प्रकाश है।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हमें समय ईमानदारी के साथ प्रभु के सामने दोहराते जाएंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे। आपका अनुवाद क्या है? हे ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर। हे ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर। हे ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर। हे ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर। तू दया सागर है मेरा अपराध क्षमा कर। हे ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर। तू दया सागर है मेरा अपराध क्षमा कर। हे ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल मुझ पापी को शुद्ध कर। हे ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। हे ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। हे ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर। ऊंची आवाज में मुँह खोल कर दोहराते जाना, इसलिए तेरा निर्णय सही और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। हे ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर। मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। हे ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा। हे ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर। मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। हे ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर। मुझे दो और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। हे ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना और तुझसे रौंदी हुई हड्डियाँ फिर खिल उठेंगी। हे ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर। मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। हे ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर। ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। हे ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर। अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित न कर। हे ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर, उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। हे ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर। हे ईश्वर मेरे मुक्तिदाता मेरा उद्धार कर और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा। हे ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर। हे ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर। हे ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर। हे ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर। हे ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर। हे ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर। हे ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर। हे ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर। हे ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 दयालु 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 प्रभु दया कर। दयालु प्रभु दया कर। दयालु प्रभु दया कर। दयालु प्रभु दया कर। बंधन तोड़ दे, बंधन तोड़ दे, बंधन तोड़ दे, बोझ उठा ले, कलंक मिटा दे। हालेलुया 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 हालेलुया। बंधन तोड़ दे यीशु, बंधन तोड़ दे यीशु, कलंक मिटा दे यीशु, बोझ हटा दे यीशु, आजाद कर यीशु, तेरी जनता को आजाद कर, तेरी जनता को आजाद कर, तेरी जनता को आजाद कर। हालेलुया 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति से हम इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। आंखें मंद करके मेरे पीछे गाते जाना कि अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक।
अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक जोर से, जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ जाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हरिया 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 हरि
अभिषेक 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 तेरे पवित्र रक्त से तेरी जनता को अभिषेक यीशु अभिषेक 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 तेरे पवित्र रक्त से हर बच्चे को हर बूढ़े को हर जवान को हर घर परिवार को अभिषेक हालेलुया 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 अभिषेक 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 हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव करना। प्रभु यीशु को आपको और आपके परिवार को शुद्ध और पवित्र करने दीजिए। अपने पवित्र रक्त की शक्ति और योग्यता से आपको हर प्रकार के कलंक से बंधन से आजाद करने दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा यीशु, तेरी स्तुति। जो इस समय प्रार्थना में हैं और जो बीमार हैं, अलग अलग प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं, हृदय रोग, मिर्गे के रोग, सर दर्द, शरीर में दर्द, फेफड़े में रोग, कोविड का रोग, कैंसर का रोग, कोई भी रोग क्यों ना हो, इस समय पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु के अधीन करना हो। ये विश्वास करना कि प्रभु यीशु पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति से आपको चंगा करने जा रहे हैं। पूर्ण विश्वास करना, फुल कॉन्फिडेंस इन द लॉर्ड। प्रभु यीशु आपको चंगा कर रहे हैं। आंखें मंद रखना, आवाज को बुलंद करके प्रार्थना करना। अगर आपके शरीर में जहां पे दर्द पीड़ा है वहां पे दायना हाथ रखना चाहे तो रखेंगे, और इस समय विश्वास के साथ प्रार्थना करना। आइए हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच जो रोगी भाई बहन है उनके लिए प्रभु ने आदेश दी, आज्ञा दी है, हम उसका पालन करेंगे इस समय। आइए हम इस समय प्रार्थना करते जाएंगे, मेरे पीछे दोहराते जाएंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु संसार का मुक्ति दाता है, यीशु संसार का मुक्ति दाता है। यीशु के बलिदान में, यीशु के बलिदान में, पवित्र रक्त में, पवित्र रक्त, पवित्र शरीर में, पवित्र शरीर में हमें चंगा करने की शक्ति है, हमें चंगा करने की शक्ति है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा मालिक है, यीशु मेरा मालिक है। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। रोगियों को चंगाई मिलती है, रोगियों को चंगाई मिलती है, बंधनों से आजादी मिलती है, बंधनों से आजादी मिलती है। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हर तरह के रोग से, रोग के निदान और बंधन से इसी वक्त मेरे भाई बहनों को स्वतंत्रता मिले, आजादी मिले। यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के पवित्र शरीर और रक्त की योग्यता से हर तरह के रोग से, रोग के कीटाणु से इसी वक्त मेरे भाई बहनों को चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। माइटी हीलिंग 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 हीलिंग। हालेलुया 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 हालेलुया। जिस समय आप प्रभु से दया याचना कर रहे थे, उस समय आप में से कई लोगों को प्रभु ने स्पर्श किया है। कई लोगों को कई प्रकार के रोगों से, विशेष करके दर्द से छुटकारा मिला है। धन्यवाद देते हैं। आइए हम इस समय संत पापा फ्रांसिस की सुंदर प्रार्थना को दोहराते हुए सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त के टीका लगाया हुआ है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता।
छू नहीं सकता। हालेलुया 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 यीशु का पवित्र रक्त, यीशु का पवित्र रक्त मेरी रक्षा है, मेरी रक्षा है, सुरक्षा है, सुरक्षा है, संरक्षण है, संरक्षण है। हालेलुया 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 हालेलुया। हम बड़ी भक्ति के साथ प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पालक हारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पालक हारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।